नमस्कार, जय जोहार। का हाल है, मैं बात आज कर्मचारियों के हित को लेकर। सरकार ने दरअसल 5 दिनों के कार्य दिवस के साथ 2 दिनों की साप्ताहिक अवकाश की घोषणा कर दी है। अब इससे कर्मचारी कितने खुश है, आज जरा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अब तो थोड़ा उनका हाल थोड़ा बढ़िया हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर्मचारियों की नाराज़गी मैं दिखाते रहता हूँ, लेकिन आज थोड़ी खुशी की बात होनी चाहिए मुझे लगता है। झा साहब, अब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, वैसे ही चेहरा आपका मुस्कुराते हुए नज़र नहीं आता है। नहीं, मुस्कुरा रहा हूँ, मुस्कुरा रहा है ना, एकदम मुस्कुरा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, माँ दंतेश्वरी की माटी में बस्तर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के घोषणा की है। एक तो केंद्रीय कर्मचारियों के समान 5 दिन का सप्ताह अब प्रदेश के कर्मचारियों को हर शनिवार और रविवार को अवकाश मिलेगा। खास करके महिला कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए उनकी दोहरी जवाबदारी है, घर परिवार समाज भी देखना है, बच्चों को भी देखना है और ऑफिस में काम भी करना है। तो 2 दिन वो अच्छे से घर परिवार में काम करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, उसके बाद ऑफिस में आएगी तो एक तरोताज़ा होकर के लगन के साथ में वो अच्छा काम कर पाएगी। आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। हमारे लिए तो है ही है कि अब कम से कम हम लोग भी घर परिवार के बीच में 2 दिन रह पाएंगे। काम काम से ये हो जाता है, केंद्र सरकार ने किया था, राज्य सरकार ने भी कर दिया। उसी प्रकार केंद्र सरकार ने जैसे एनपीएस वालों को 10% जो सरकार का अंशदान था उसको बढ़ा के 14% किया था, मुख्यमंत्री जी ने उसको भी 10% से बढ़ा करके 14% किया है। लेकिन इस मामले में हमारी मांग आज भी कायम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2004 के बाद नियुक्त जितने शासकीय कर्मचारी हैं पूरे देश के, उनको पुरानी पेंशन योजना लागू करें। हम ये एनपीएस से खुश नहीं हैं, लेकिन चूंकि केंद्र ने बढ़ाया था इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। निस्संदेह उन्होंने दो दिन के अवकाश से खुश हैं। 2 दिन के अवकाश से बिल्कुल खुश है, हम भी खुश हैं, महिलाएं भी खुश हैं, हर कोई खुश रहेगा। रुकिए, मैं आ रहा हूँ, आप खुश हैं कि नहीं? खुश है जी, बढ़िया लगेगा अब तो घर में। हाँ, ठीक लगेगा। हाँ? हाँ जी, काम का बोझ वहाँ बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ का काम खुश है सर। हाँ, बिल्कुल खुश है। हाँ? खुश कौन नहीं है, मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ। सब खुश है, सब खुश है। डीए दे देता तो और ज्यादा खुश होते, डीए देते तो और ज्यादा खुश। हाँ, और ज्यादा। हाँ, जैसे जैसे केंद्र के समान छुट्टी का घोषणा किया, वैसे हम लोग चाह रहे हैं कि जो डीए हमारा बाकी है उसको भी राज्य सरकार दे। केंद्र के समान जो है, जो डीए बाकी चीजें दे रहे, तो डीए भी दे दी, डीए भी देना चाहिए हमारे राज्य सरकार को। अभी जरा इधर आते हैं, जरा सर आपके पास आ रहा हूँ, रुकिए। मैडम बात कर रही है, हो गई बात का? हाँ, बात हो गई। बता रहे थे कि खुशी जाहिर कर रहे थे, घर वालों को बता रहे थे। उधर साहब भी हैं क्या नौकरी में? हाँ है ना, है। लेकिन हम बढ़िया हो गया, खुशी है कि हाँ। चलो 2 दिन थोड़ा घर में भी काम देख लेंगे और ऑफिस में आएंगे मंडे से, तो अपना वो भी काम देख लेंगे 5 दिन में, ऐसा है। सर टेंशन तो नहीं बढ़ जाएगा, एक ही साथ रहेंगे अब 2 दिन और, एक ही दिन रहते थे? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हा? नहीं है कोई टेंशन। अब 2 दिन उनसे खूब काम करवाएंगे। काम भी कराएंगे। हाँ, हाँ, करेंगे भी। अब बोल रहे कि डीए भी दे दे तो और ज्यादा अच्छा है, ऐसा है? हाँ सर, सब मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। आप बताइए, आप कितनी खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, कोरोना काल में ये जरूरी है कि 2 दिन का छुट्टी मिल जाए और काम अच्छे से होता रहे। इससे काम का बोझ तो ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, जैसे 5 दिन में काम आपको निपटाना है, जो काम आपको 6 दिन में करना था? नहीं बढ़ेगा बोझ इससे, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, और अच्छे से काम हो जाएगा, 2 दिन छुट्टी मिल जाएगा तो 2 दिन छुट्टी है और अच्छे से। ये जो बोल रही है वही सही है? नहीं, काम तो बढ़ेगा सर, जो पहले 6 दिन काम होता था, 5 दिन काम करोगे तो 1 दिन कहाँ गया। हाँ। अब यदि माइनस प्लस की बात करते हो तो उसमें होगा। यदि शासन को करना ही था, अवकाश की घोषणा करना था, यदि केंद्र के समान यदि समानता का अधिकार हमको प्रदान करती है तो हम लोगों को डीए दे। यदि केंद्र में आज 28% महंगाई भत्ता दे रही है तो हमारे फोन बज रहे क्या? देखो घर से फोन आ रहा होगा, देख लीजिए। नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं। महंगाई भत्ता की यदि बात करते हैं तो हमारे को समानता के साथ, यदि केंद्र के साथ में यदि 5 दिन का अवकाश दे रहे हैं तो हमारे को 28% महंगाई भत्ता हमारे को भी प्रदान किया जाए। ये हमारी मांग है, प्राथमिकता ये है महंगाई भत्ता। हाँ। क्योंकि यार आज की डेट में हर व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है, चाहे कोरोना काल तो बात की बात है, मगर हर व्यक्ति के सामने आर्थिक संकट की हर समस्या से वो जूझ रहा है। अब 2 दिन का अवकाश मिल गया, अब तो घूमने फिरने कहीं भी जा सकते हैं।
हाँ घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अच्छी बात है। अवकाश में तो व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय देता है और जरूरी है परिवार के साथ समय बिताना चाहिए भी। अब जिसके लिए कमा रहे हैं वो परिवार है और परिवार को यदि अवकाश मिलेगा तो उनके साथ हम एंजॉय करेंगे। खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ना ही बढ़ना, खर्चा बढ़ जाएगा क्यों सर? दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, वेतन विसंगतियों को दूर करते हुए महंगाई भत्ता प्रदान कर दे, अवकाश तो अलग बात है। सबसे प्राथमिकता हमारी महंगाई भत्ता की है और जो भी वेतन विसंगतियां चल रहा है उसको दूर करे, सबसे पहले जरूरी वो है। सर से पूछते हैं, सर बताइए। सही कहना है, अभी डागा जी ने जो बोला है कि सेंट्रल ने जो जैसे सेंट्रल में 5 दिन का है कार्यकाल, स्टेट में भी किए हैं तो सेंट्रल ने 28% दिया है, वो 28% भी मतलब देना चाहिए। और उसके अलावा भी अतिरिक्त अन्य भत्ते हैं, गृह भाड़ा भत्ता वगैरह है, उनको भी देना चाहिए क्योंकि जो अंतर है सेंट्रल और स्टेट में वो कम से कम थोड़ा समानता तो आए। सर क्या बोलते हैं आप, जो है ऑफिस अच्छा लगता था या घर पे रहना ठीक लगेगा? नहीं, दोनों अच्छा लगता है, ऑफिस रहना भी अच्छा लगता है, जनसेवा करना अच्छा लगता है और नई एनर्जी भी मिलेगी हम लोगों को। 5 दिन अगर ड्यूटी करेंगे और 2 दिन छुट्टी मिलेगी तो निश्चित रूप से नई एनर्जी के साथ काम करेंगे, काम भी ज़्यादा होगा, है ना भाई। लेकिन हकीकत तो ये भी है भाई कि जैसे केंद्र कर रहा है उसके अनुरूप अगर कर रहे हैं तो उसके अनुसार कुछ आर्थिक फायदा भी अगर कर्मचारियों को हो तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। केंद्र के समान भाई हम लोगों को DM मिलना चाहिए। देखो भाई, महंगाई भत्ता तो सबके लिए बराबर है ना भाई। अगर मान लो कोई केंद्र का कर्मचारी रायपुर में मिलता है, उसको आप 500 रुपया महंगाई भत्ता दे रहे हैं और वैसी पद में वही कर्मचारी राज्य शासन में काम कर रहा है, लिपिक ही है, उसको आप 400 रुपया महंगाई भत्ता दे रहे थे, समानता क्यों भाई? काम ज्यादा लेते रहे, अभी थोड़ा हल्का कर दिए। हल्का कहाँ से हो गया? नहीं किया है वो भाई, जो 6 दिन में कर देते उसको 5 दिन में करना पड़ेगा, बोझ उतना ही है, बोझ उतना ही रहेगा, इसमें कोई हल्का भारी का नहीं है भाई। 6 दिन में कर सकते, उसी को 5 दिन में करना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा हमारे ऊपर, और घर का प्रेशर अलग, घर का प्रेशर अलग, 2 दिन छुट्टी रहेंगे वहाँ खर्चा अलग बढ़ेगा। इसलिए हम राज्य सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि केंद्र के समान हमें महंगाई भत्ता दिया जाए और अन्य जो बचा हुआ है उसको भी पूरा किया जाए। पर घर में लेकिन अच्छा भी तो लगेगा ना, अच्छा परिवार के साथ बच्चों रहेगा तब तो अच्छा लगेगा। ये भी बात, पैसे ही नहीं रहेगा तो क्या अच्छा लगेगा? घर में तू मैं होगा, पैसे नहीं रहेगा तो उधर सुनाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। भाई पैसा रहेगा तो खर्च करेंगे, भाई फलान जाके घूमने चलना है, वहाँ खाना खाना है, वहाँ वो करना है, तो पैसा रहेगा तब तो खिलाओगे, पैसा रहेगा तब तो खिलाओगे। देखिए बहुत सारे और आ गए हैं जो है। अच्छा आप लोग से मैं जानना चाह रहा हूँ, देखो सर लोग तो बोल रहे हैं कि पैसे जो है बढ़ा नहीं रहे हैं, छुट्टी दे रहे हैं तो कैसे कहाँ पे खर्च करें? सर लोग बताइए, खुश है ना आप लोग? सर ऑफिस चाहे 5 दिन का हो चाहे 6 दिन का, काम तो हमको उतना करना ही पड़ेगा जितना हमको करना रहता है। अगर हमारा काम नहीं होता तो हमको छुट्टी के दिन भी आके बैठ के काम करना तो पड़ता है। काम में कोई कटौती नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा सर, हमारे अपने शाखा का काम तो करना ही पड़ेगा, शाखा का काम करना पड़ेगा और 5 दिन में करना है। पर सर चाहिए तो ये था कि हमारा DA बढ़ा देते, DA वो जरूरी था सर। लेकिन ये भी तो सोचिए कि 2 दिन का वक्त मिलेगा। आप नहीं, ठीक था सर, वही ठीक था, पहले ही ठीक था, पहले वाला ठीक था, ये देखिए पहले वाला ठीक था बोल रहे हैं। अच्छा आप भी यही मानती हैं? जी, सरकार कह रही है कि नहीं सबको चाहिए था 2 दिन छुट्टी, सबकी यही शिकायतें रहती थी कि थर्ड तो मिलता ही है सर, सेकंड थर्ड तो मिलता ही है ना। अच्छा तो उसमें 2 ही दिन का इजाफा कर दिए। DA का है मेन, DA का है तो DA दे देते, भले ये ना करते, DA मिल जाता तो बहुत है। अभी कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा इस? नहीं सर, काम तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, अपना काम करना ही पड़ेगा। जो 6 दिन में करते थे वो 5 दिन में, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा होता। सबको शिकायत महंगाई भत्ता को लेकर है, छुट्टी से कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी भले 7 दिन काम करवा लो, ऐसा है क्या? और पेंशन की जो योजना है सर, यदि पुराने लोगों ने जो पेंशन की योजना लागू की थी वो कोई सोच समझ के की थी तो ये पेंशन की नीति को क्यों नहीं लागू करते? ये छुट्टी का रह गया, महंगाई भत्ता का हो गया, ये इसके इसमें मुद्दा को ध्यान देना चाहिए। पेंशन का प्रभाव क्या था, पेंशन से क्या लाभ है, उसको सोचना चाहिए सरकार को कि पेंशन देने से एक्चुअल में परिवार के जो वारिसान है उनको क्या लाभ मिलता है। इसके बारे में मुझे भी ज्यादा जानकारी है नहीं। जहाँ साहब ये क्या है पेंशन की नीति जो कह रहे हैं अभी, मतलब पेंशन अब किसी को है नहीं क्या छत्तीसगढ़ में कर्मचारी? 2004 के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो शासकीय सेवा में नियुक्त हुए हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। हम बार बार बोलते हैं कि यदि हिंदुस्तान के या छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को
2004 के बाद नियुक्ति के बाद यदि आप पेंशन रोक रहे हैं तो जितने जनप्रतिनिधि भी 2004 के बाद नियुक्त हुए उनका भी पेंशन रोक दो। सबसे पहले बहनों और भाइयों नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा, अमित शाह को पेंशन नहीं मिलेगा। मेरा कहना यह है कि इक्विटी बिफोर लाभ, भारत का संविधान बोलता है कानून। 5 साल के लिए आते हैं उनको पेंशन है और जो 50 साल के लिए आते हैं उसको जिंदगी भर पेंशन मिलता है उनको। एक बार जीत गया सांसद पार विधायक बन गया तो जिंदगी भर पेंशन मिलेगा और यहाँ 60 साल सर्विस करने के बाद पेंशन नहीं मिलेगा तो मतलब क्या निकला, हमारे परिवार क्या करते हैं। उसको 4 पेंशन मिलती है, अगर कोई विधायक बन गया उसका अलग पेंशन मिलेगा, सांसद बन गया उसका अलग पेंशन मिलेगा, जनपद अध्यक्ष बन गया उसका अलग पेंशन मिलेगा, एक कर्मचारी जो 58 साल तक काम कर रहा है उसको 2004 के बाद पूरा पेंशन बंद कर दिया गया, जो अगर एक महीना भी विधायक रह गया उसको पेंशन मिलेगा, तो ये कहां से समानता हुई भैया। तो जीवन भर का टेंशन लेके चल रहे हैं उनको पेंशन नहीं नहीं है, नहीं है। पेंशन का ये फायदा था कि जो वारिसान को एक मुफ्त राशि मिलती थी, यानी मुफ्त राशि के बाद में जो मासिक राशि मिलती थी उससे परिवार का खर्चा नियमित रूप से चलता था। और अभी जो एनपीएस सीपीएस के तहत जो पैसा मिलता है 100% में से 60% एक मुफ्त राशि मिल जाती है और 40% का पेंशन निर्धारित किया जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 होगा, मगर 5,000 में एक जिसका परिवार का 4 या 5 बच्चा है वो कैसे अपने परिवार को चलाएगा बताइए। कैसे चलाएगा? एक राशि जो मिली एक साथ उसको एक मुश्त, जो हमारी सीपीएस कटौती होती है, हाँ। जैसे मेरी कटौती होती बेसिक और डीए का 10% होता है, मान लो 2,000 रुपये होता है, उतना ही राशि 2,000 रुपये शासन उसमें जमा करती है, लास्ट में वो जमा हुआ आपका 18 लाख 20 लाख जो भी, उसमें से 60% गवर्नमेंट रखती है, यानी 60% हमारे को प्रदान करती है तुरंत सेवानिवृत्ति के उपरांत और 40% का हमारे को जीवन लाभ जीवन पर्यंत तक पेंशन प्रदान करती है। अच्छा एक सवाल अलग इससे हटके, ये जो मूछ आपने इस तरीके से रख लिया इसका मैं भारतीय थल सेना का पूर्व में जवान रहा हूँ, 18 साल पूर्व में सेवा किया है मैंने, देशभक्ति किया है, जिसमें कारगिल लड़ाई मेरी प्राथमिकता रही हुई है, उसके बाद सांसद हमला अटैक में भी रहा हूँ और देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं को आप सामने से देखा है, घरेलू भी देखा है, आर्थिक भी देखा है, सामाजिक भी देखा है, सब कुछ देखा है, तो मूछ तो एक मेरी शान है। नहीं नहीं वो तो सही है, मूछ तो सब बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, मैंने भी रखा हुआ है, मास्क में अभी छुपा हुआ है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये डिजाइन कुछ अलग है। ये अभी आपने कुछ दिनों पहले अभिनंदन का जो प्लेन क्रैश में वहाँ पर गिरा था पाकिस्तान में, जिसको कब्जा किया पकड़ लिया गया था, उसी के देखते हुए मैंने अपना इंस्पिरेशन में बनाया है मुझे। अभिनंदन है? हाँ अभिनंदन है, अभिनंदन है। ये पीछे वाले लोग कुछ बोल नहीं रहे, जरा इनसे पूछें। आइए आइए। खुश हैं सर आप? बहुत खुश हैं, अंदर से मतलब पता चल रहा है मास्क के अंदर से। अच्छा अच्छा जी। गदगद हैं आप जो है, इसलिए मेरे को क्या पता भी आप ही बताएंगे। बताइए सर जो है ये ऐसे खुश रहना चाहिए, देखो छुट्टी मिले डीए मिले वो अलग बात, मिले हमको जो काम करना है वो करना ही है, है नहीं? अगर 7 दिन का छुट्टी दे रहे हैं तो भी काम करना पेंडिंग है तो आके करते ही है अपन, है ना? ये है ये दोनों की नहीं है, चाहे सिंगल करो या दोनों करो, बात ये जो हमको काम दिया गया है गवर्नमेंट जो करना है वो तो समय पर निर्धारित करना ही है हमको, चाहे छुट्टी रहे या ना रहे करना है। ये 2018 में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में ये स्पष्ट उल्लेख था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। आज 3 साल के सरकार में अनियमित कर्मचारी नियमित तो नहीं हुए, बल्कि कम से कम 5,000 से ऊपर लोगों की सेवाएं समाप्त हो गई। कुछ लोग अधिकारी लोग मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि नियमितीकरण करने से आर्थिक बोझ आएगा, मैं इसका बिल्कुल विरोधी हूँ। एक कर्मचारी जो मेरा आज काम कर रहा है उसको 18,000 रुपया महीना मिल रहा है, नियमित हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, जिसको 9,000 मिल रहा है नियमित होगा 12,000 होगा। हमारे स्कूल सफाई कर्मचारी 47,000 हैं और लगभग 99% आरक्षित वर्ग के हमारे शेड्यूल कास्ट साथी हैं, उनको केवल अंशकालिक से पूर्णकालिक करना है, 2,000 मिलता है उसको 10,000 देना है, 2 घंटा जो काम कराते हैं उसको 8 घंटा काम कराना, वैसे भी प्रिंसिपल लोग काम कराते ही हैं उनसे, वो एक बार आ गया बेचारा गरीब तो वापस नहीं जा सकता। अच्छा 2,000 में उसका परिवार का लेकर वो भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी 30 से अब आंदोलन पे जाएंगे। आंदोलन 30 जनवरी को उनका बड़ा आंदोलन था रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का, ये कोरोना काल कारण वो कह रहे हैं कि हम आएंगे सड़क पे। नहीं जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया है, वो देखते हैं आज क्या स्थिति बनती, मीटिंग करेंगे, लेकिन आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनको वादा याद दिला रहे हैं भाई आप बोले थे आप करिए। और मैंने अंशकालिक से पूर्णकालिक जो करने वाली मैं बात बोल रहा हूँ ना, जो मान लीजिए 2 घंटा काम करता है तो 2,000 में परिवार नहीं चलता, तो स्कूल के बाद बेचारा गाँव में धान काटने के लिए गोदी खनने के लिए ईटा जुड़ाई करने के लिए जाता है,
और आपके यहाँ है कि नहीं कलेक्ट्रेट में अनियमित कर्मचारी? नहीं, हमारे कलेक्ट्रेट में अनियमित कर्मचारी नहीं है, ज्यादा इरिगेशन पीडब्ल्यूडी पीएचई मंत्रालय में भी बहुत है, मंत्रालय में भी बहुत है। हमारे यहाँ न कलेक्टर दर के कर्मचारी है, केवल संविदा वाले हैं जो नियमित पद के अगेंस्ट में संविदा में काम कर रहे हैं, तो इनका नियमितीकरण होना चाहिए। इनके साथ तो बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी हो। कर्मचारी जरा पीछे आए, बहुत देर बाद आए, वो आए नहीं हमारे जो कर्मचारी, आप इधर आइए भाई, आप बताइए इधर थोड़ा और आ जाइए, धूप में आ जाइए, चेहरा आपका खिला हुआ दिखना चाहिए जो है। वैसे आपको खिलना ही चाहिए, दो दिन की छुट्टी है तो जी हाँ खिलना चाहिए ना, खिलना चाहिए ना। हाँ, खुश है कि नहीं है? खुश है, हाँ कर्मचारी फायदा होगा उसमें, खुश रहेंगे कर्मचारी। अब घर वाले? घर वाले भी खुश रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, छुट्टी से कौन दुखी रहता है, छुट्टी से कोई दुखी नहीं रहता ना। हाँ जी, अब तो भरपूर समय ही समय है। नहीं समय तो है, और काम लेते तो भी काम दे रहे थे, और क्या उसमें क्या दिक्कत, गवर्नमेंट ने जो दिया है उसको तो उपभोग करेंगे ही। ये कह रहे हैं कि डीए वीए जो है वो आ जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें कहाँ ध्यान देंगे मुख्यमंत्री जी, उसको जरूरत नहीं ना डीए देने का, कर्मचारियों का ध्यान ही नहीं है उनका, उनका कहाँ ध्यान है, जो नहीं मांगते हैं उसको देते हैं, जो मांगते हैं उसको देते नहीं है, जो नहीं मांगते हैं। अच्छा ये मांग नहीं थी छुट्टी वाली थी, कहाँ मांग थे, मांग थी वो नहीं दिए, कहाँ दिए सरकार। आप थोड़ा आइए, आइए सामने आइए, आप ही जो है मजेदार है, बाकी लोग तो उतने जो है खुल के बोलते नहीं, आप दिल से बोलते हैं जो बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि जो है जो मांग थी वो मांग तो पूरी नहीं हुई है, और छुट्टी हम चाह नहीं रहे थे, डीए चाह रहे थे। सही बात है भाई, आदमी अपनी घर की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र के शासन के बराबर मानदेय मिले, मिलना चाहिए। केंद्र बड़ा देता है, राज्य ध्यान नहीं देता है भाई, केंद्र के... लेकिन केंद्र भी तो जो है छुट्टी दे रही है ना, साप्ताहिक अवकाश दो दिन के साथ साथ डीए वगैरह पूरा कंप्लीट करके दे रही है। हाँ। तो भाई कर्मचारी वो भी एक दे देंगे, थोड़ा थोड़ा दे देंगे, अभी तो दो साल का वक्त बचा है, दो साल तो, अरे तो अभी जो समस्या है उसका तो भी समाधान होगा, जब परिवार में पैसा नहीं रहेगा तो समस्या कहाँ से दूर होगी। फिलहाल जो है दो दिन की जो है छुट्टी की खुशी तो है, मतलब थोड़ी खुशी है, जो है थोड़ा गम है, गम है अभी भी नहीं, गम ये बीए का गम ये हुआ पहले देना था, पहले जी जी पहले देना। अब रिटायरमेंट के समय छुट्टी दे रहे हैं, क्या मतलब है, ओ, 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 अब तो जो है परमानेंट छुट्टी, हाँ परमानेंट छुट्टी दे रहे हैं ना, वो तो दो दिन दिया, अब तो परमानेंट छुट्टी हो रहा है जी जी। लेकिन ये गम है डीए वाला, और इसको लेकर के विरोध भी जारी है। बिल्कुल, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई भत्ता देना होगा, देना होगा, देना 14% महंगाई भत्ता लेके रहेंगे, गृह भाड़ा भत्ता देना होगा, देना होगा, देना। केंद्र और राज्य के समानता की लागू करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। चलिए तो ये जो है ये विरोध भी है, दरअसल खुशी है इस बात को लेकर जरूर कि दो दिन की छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन जो मसला था मुख्य रूप से वो ये है, वो डीए को लेकर के है, यानी 28% डीए अगर दे देती सरकार जो है तो ज़्यादा खुशी होती बजाय दो दिनों की छुट्टी की। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि थोड़ा ही सही मिला तो कुछ, अब देखते ये हैं कि जो डीए का मसला है वो कब सुलझ पाता है और राज्य सरकार उस पर कब निर्णय ले पाती है। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।